हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैकल्टी जॉब्स यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे न्यू नोटिफिकेशन जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आउट हुआ है। एंड ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसमें टीचिंग की पोजीशंस आउट हुई हैं एंड ये पोजीशंस रहेंगी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। एंड इसके लिए लास्ट डेट रहेगी आपकी 6 सितंबर 2022। चलिए देख लेते हैं आगे की डिटेल्स। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में रहेगी 1 पोजीशन प्रोफेसर की, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। 2 पोजीशन रहेगी प्रोफेसर की जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में रहेंगी एंड ये रिजर्व कैटेगरी की है। 1 पोजीशन रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में। 1 पोजीशन प्रोफेसर की इस्लामिक स्टडीज़ में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में। एंड 1 पोजीशन जो कि रिजर्व रहेगी एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में रहेगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए कंसर्न्ड अलाइड एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन में, 10 रिसर्च पब्लिकेशन, 120 रिसर्च स्कोर रहना चाहिए आपका, प्लस यहाँ पे आपका मिनिमम 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एंड या फिर वो लोग जिन्होंने PhD डिग्री की है रेलिवेंट सब्जेक्ट में एंड वो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड उनके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगी 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में एंड 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए कंसर्न अलाइड एंड रेलिवेंट डिसिप्लिन में, मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, इसके साथ साथ आपका पास जो है 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या और रिसर्च का किसी भी एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन में। एंड इसके साथ आपके 7 पब्लिकेशन होने चाहिए UGC लिस्टेड जर्नल में एंड 75 रिसर्च स्कोर होना चाहिए। 1 पोजीशन रहेगी नेक्स्ट पोजीशन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इसमें 2 रहेंगी पोजीशन एंड 1 पोजीशन रहेगी हिंदी में, 1 पोजीशन रहेगी हिंदू एथिक्स डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में रहेगी एंड 1 पोजीशन रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के अंदर। एलिजिबिलिटी कंडीशन में मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स रहने चाहिए आपके पास। NPG एंड नेट सेट स्लेट की कंडीशन रहेगी, जिन लोगों ने 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग PhD की है वो लोग एग्जेम्प्टेड रहेंगे नेट स्लेट और सेट की कंडीशन से। इस पोजीशन रहेगी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर, इसमें 1 प्रोफेसर की रहेगी वैकेंसी MMAG अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। 1 पोजीशन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर MMAG अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की इंडियन अरब कल्चर स्टडी सेंटर में, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडी। पोजीशन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर HRM डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में रहेगी 1 प्रोफेसर की पोजीशन डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक आर्ट, 1 प्रोफेसर की पोजीशन डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर। असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन में 1 पोजीशन। नेक्स्ट रहेगी फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स में 1 प्रोफेसर की पोजीशन रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन में, 1 पोजीशन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन में, 2 पोजीशन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन में। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की रहेगी 1 प्रोफेसर की पोजीशन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन रहेगी जर्नल की एनवायरमेंटल साइंस एंड डिपार्टमेंट, 1 पोजीशन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में 1 पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड होप स्पाइस स्टडीज़ में, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड होप स्पाइस स्टडीज़ में। पे लेवल में आपके पास प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल रहेगा वो 14 रहेगा एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का 13A एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का 10 रहेगा। एंड यहाँ पे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो एक्टिव सर्विस है आपकी, जो आपने काम किया है परसुइंग रिसर्च डिग्री, जैसे कि आपने PhD में जो आपने टाइम स्पेंड किया है वो, अगर उसमें आपने कोई लीव नहीं लिया तो वो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट होगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर आपको एकेडमिक रिसर्च स्कोर परफॉर्मा जो कि एज़ पर UGC रेगुलेशन 2018 है वो भरना होगा और उसके साथ आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। एंड आप परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से जो कि www.jmi.ac.in। एंड यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी।
लास्ट डेट रहेगी 6 सितंबर 2022। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी ऑनलाइन आपको पे करनी है नेट बैंकिंग के थ्रू। एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगी उसकी फ़ीस रहेगी 500 रुपीज़, 250 रहेगी एस सी एंड एस टी कैंडिडेट के लिए। एंड यहाँ पे वुमन कैंडिडेट एंड दिव्यांग जो है वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ीस। डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इस अकाउंट नंबर पे। एंड यहाँ पे डिटेल्स हैं बैंक की जिसपे आपको फ़ीस डिपॉजिट करानी है। सो ये थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वैकेंसी। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।